इस वक्त हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील मृत्युंजय कुमार जी हैं। इन्होंने नियोजित शिक्षकों का पक्ष रखा है और आज उस पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा डिसीजन भी दिया है। शुरुआती स्तर पर जो डिसीजन आया था हम लोगों ने बताया भी, लेकिन अब उसमें डिटेल में मृत्युंजय कुमार जी से जानेंगे कि आखिर उस फैसले से नियोजित शिक्षकों का कितना भला होने वाला है और क्या अब सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है, और नियोजित शिक्षक भी अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या आगे जा सकते हैं। मृत्युंजय इतना डिटेल में बताइए, क्योंकि बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम दे चुके हैं, आप लोग बता चुके हैं। जी जी इसमें आज जो चिर प्रतीक्षित ऑर्डर आया है तो हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक भाई बहनों को बहुत उम्मीद थी कि इस ऑर्डर से उन लोगों को बहुत सारा राहत मिलेगा, परंतु थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। और एक जो खुशी की बात ये है कि जो 5-man कमिटी रिकमेंडेशन की थी कि भाई जो नहीं अपीयर करेंगे या फिर जो फेल कर जाएंगे सक्षमता परीक्षा में कॉम्पिटेंसी टेस्ट में उनको पद से हटा दिया जाएगा, तो उसमें राहत मिली है। उस प्रोविजो को जो रूल 4 का प्रोविजो है उसको स्ट्रक डाउन किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, और जी अब किन्हीं भी नियोजित शिक्षक भाई बहन को ये आशंका या डर नहीं रहेगा कि वो यदि फेल कर जाते हैं या परीक्षा में नहीं अपीयर करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। जी अब वो नौकरी उनकी सुरक्षित है। और जहां तक प्रमोशन वगैरह की बात है उसके लिए माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया है कि तीनों कैटेगरी के टीचर्स को अपने अपने रूल के अनुसार उनको प्रमोशन के लिए सरकार एक अच्छा सा व्यवस्था करे, एक नियम बनाए जी, और उस हिसाब से सारे टीचर्स को प्रमोशन वगैरह का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो दिया जाए। और हेडमास्टर में प्रमोशन के लिए जो नया रूल आया है, ऑनरेबल जजेज का ये कहना है कि भाई जो नया रूल है उससे हेडमास्टर की बहाली होगी, जो सरकार का निर्णय है जो शायद अभी तक चैलेंज नहीं है। जी जी नहीं, एक चीज इसमें एक तो ये है कि सक्षमता परीक्षा रद्द करने की बात सामने आ रही थी कि बिना शर्त हम लोग को राजकर्मी का दर्जा मिले, इस पर क्या हुआ है और ऐच्छिक स्थानांतरण पर क्या हुआ है? दोनों पर ऑनरेबल जजेज ने कोई भी इंटरफेरेंस करने से बिल्कुल ही अपने को अलग रखा है और कहीं से भी उसमें कोई राहत हम लोगों को नहीं मिली है। न तो परीक्षा से हम लोग एग्जेम्प्टेड किए गए हैं, यानी जिनको भी एक्सक्लूसिव टीचर बनना है, राजकर्मी का दर्जा लेना है, उनको परीक्षा में जाना ही होगा और परीक्षा पास करना होगा। अच्छा, तो और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी कहीं कोई राहत नहीं दी गई है, जो रूल है उसको एज इट इज लागू किया गया है। तो फिर इसको आप लोग किस तरह से अपने जीत मानकर चल रहे हैं? जीत मैंने तो पहले ही कहा कि जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर जो जजमेंट आया है वो उम्मीद के अनुसार नहीं आया है। हाँ, जीत बस इस मायने में है कि जो डर था लोगों को कि यदि हम परीक्षा में नहीं अपीयर किए या फेल कर गए, मृत्युंजय जी इस पर जो पुराने पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी जी, जी उनका भी आज रिएक्शन आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, तुम हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, जो परीक्षा देंगे वो राजकर्मी बनेंगे, जो नहीं देंगे वो नियोजित शिक्षक रहेंगे। ये कहा पहले, हम नहीं नहीं और शपथ पत्र भी दायर हुआ था ना कोर्ट में। हाँ ठीक है, मैं आपको बता दूं जी, माननीय मंत्री जी बोले होंगे, लेकिन यदि माननीय मंत्री जी बोले या जो भी लोग बोले, ACS खुद बोले बाद में कि हाँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन वही ACS 5-man कमिटी बना के रिकमेंडेशन करते हैं कि जो लोग नहीं अपीयर करेंगे, जो लोग फेल कर जाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा, हटा देना चाहिए जी। तो फिर ये दोहरी मापदंड क्यों, दोहरी बात क्यों? तो उसके बाद ACS ने भी बोला था और उसके बाद सरकार ने तो ये कहा था, कहा था कि हम जो अनुशंसा हुई है उसको हम लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं। आप उस डेट को मिला लीजिएगा जब वो आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गया कोर्ट में, जब उन लोगों को लगा कि हाँ वहाँ हम लोगों को इस पर मात खानी पड़ सकती है,
तो उन्होंने काउंटर में लिख के दिया कि हाँ हम किसी को नहीं हटाएंगे। लेकिन एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको कि अमेंडमेंट एक्ट 2009 का आप ऑर्डर देख लीजिएगा, डॉक्टर सुशील कुमार के नाम से वो केस है, केस नंबर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, जो दक्षता परीक्षा के रूल को चैलेंज किया गया था उस समय, उस केस में भी मैं संयोग से था और उसमें सरकार के तरफ से इसी तरह काउंटर एफिडेविट दिया गया, कोर्ट में बताया गया कि हम इस आधार पर किसी को नहीं हटाने जा रहे हैं कि वो दक्षता परीक्षा फेल कर गए हैं जी। और इसको उस ऑर्डर में भी कोट किया गया, जो ऑर्डर हुआ डॉक्टर सुशील कुमार के नाम से पेटिशनर फर्स्ट पेटिशनर थे जी, तो उस केस के ऑर्डर में भी कोट किया गया, लेकिन केस को डिसमिस कर दिया गया ये कहते हुए कि जब सरकार खुद ही कह रही है तो इस रूल में कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और सारे रिट एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है जी। और उसका क्या नतीजा हुआ कि वहां कुछ बोले और बाद में फिर 2 साल के बाद फिर हटाना शुरू कर दिए, फिर लोग लिटिगेशन में गए, फिर ऑनरेबल जस्टिस नवीन सिन्हा के यहाँ से हुआ कि नहीं भाई सोकर नोटिस करके हटाइए, फिर 2 साल रुक गया मामला, फिर 14 में हटाने लगे, फिर मामला न्यायालय में आया, फिर न्यायालय ने कहा कि नहीं तीसरा मौका दीजिए, चूंकि रूल में आप खुद कह रहे हैं कि एक अतिरिक्त मौका 6 महीने मतलब बाद दिया जाएगा। अब चूंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया तो आपको लगता है कि सरकार उसके पीछे नहीं हट सकती है जी, ये मतलब एक अच्छी बात हुई है, अच्छी बात हुई है, नहीं तो ये लोग ऐसा करते कि अगर कोर्ट का उस पर कोई क्लियर ऑर्डर नहीं रहता तो फिर 2 साल के बाद कोई कमिटी बना के रिकमेंडेशन कर देते जी। तो अब छुट्टी जो उम्मीद के अनुरूप फैसला नहीं आया है तो क्या अब आप लोग इसको अपील में जाएंगे या फिर अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बाद में डिसीजन होगा कुछ? अभी हम लोग इस पर बैठ के विचार कर रहे हैं जी कि इसमें क्या किया जा सकता है और जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं और जितने भी उनके संघ के लोग से जुड़े लोग हैं वो लोग इस पर निर्णय लेंगे कि हाँ आगे इसमें हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या जो जितना मिल गया उसी से संतोष करना चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। चूंकि आपने तो बिंदुवार अब तो नेट पर आ गया है ऑर्डर की कॉपी, आपने तो बिंदुवार पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो अब तो आने वाले दिनों में जो भी हो डिसीजन लेना पड़ेगा। हमको तो लगता है कि अब इसमें सरकार तो नहीं जा रही है आप इस फैसले के खिलाफ, क्या आपको लगता नहीं, है? सरकार तो नहीं जा रही है चूंकि सरकार के अगेंस्ट में कुछ ऑर्डर है नहीं, वो जो वो रूल चार का जो प्रोविजो हटाया गया है वो तो खुद सरकार, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के अथॉरिटी और मंत्री महोदय भी बतला रहे थे कि हम नहीं हटाएंगे किसी को, तो उससे सरकार तो प्रभावित हो नहीं रही है जी। तो बात बाकी जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं कि भाई इतना दिन से काम कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर एज हो गया है, फिर आप परीक्षा पर परीक्षा ले रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है, बहुत ही हार्स है लोगों के लिए कि भाई इस एज में अब परीक्षा पास करें, 50-55 साल का एज हो गया है जी। अब यही है कि नौकरी जा रही थी वो बच गई है जी, चलिए ये इतना छोटा सा राहत मिला है। चलिए चलिए ठीक है, हम फिर बात करेंगे आपसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अगले 2-3 दिनों में क्या किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या इस फैसले को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद।